रंगी परी, बुराई के रंग कभी नहीं कर सकते सच्चाई और अच्छाई को तंग, क्योंकि अब तुम्हारी बुराई बहुत बुरी तरह हार गई है। ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। नहीं सारंगी परी, नहीं, धोखा नहीं, चाल के बदले चाल है। नहीं, कैसे किया तुमने ये सब? मैंने खुद अपनी आंखों से अपना जादुई रंग तुम्हारे चेहरे पे चढ़ते देखा था। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं सारंगी परी, तुम्हारा रंग मुझ पे पड़ा ही नहीं तो चढ़ेगा कैसे। हाँ सारंगी परी, हमें पहले से ही विश्वास था कि तुम कोई ना कोई चाल तो जरूर चलोगी, और इसीलिए पहले से हमारी नजर तुम पर थी, पल पल हर पल। ये देखिए रानी परी, बुराई अपनी चाल चल के ये सोच रही है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसे कहां पता, लेकिन कि सच्चाई और अच्छाई की नजरों से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच। हाँ बात, और हम बुराई को उसी के बिछाए हुए जाल में उलझाकर फंसा देंगे। बाली, अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। बाल्दी, आप सारंगी की रंग वाली मटकी को इस मटकी से बदल दीजिए। जी रानी। उसके बाद मैं वहां पहुंचा जहां तुम अपने लाल रंग की मटकी के साथ खड़ी थी। इस बार ये योजना सफल होके ही रहेगी। वाह बालवीर, वाह, क्या खेल खेला है। लेकिन तुम भूल गए, सारंगी को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी ये दीवारें मुझे कभी कैद नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं। सारंगी परी, तुम्हारे बुराई के रंग इस सच्चाई और अच्छाई की दीवार को कभी नहीं भेद पाएंगे। नहीं बालवीर, ये दीवारें खड़ी करके मत सोचना कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि मैं बुराई के रंगों से बनी सारंगी हूँ। मैं यहाँ किसी भी रंग में घुल जाऊंगी और तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी भी नहीं। नहीं सारंगी परी, नहीं, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया। मैं तुम्हारे छुपने लायक कोई जगह ही नहीं छोड़ूंगा, तो तुम छुपोगी कहाँ? हे भटकाती परी, भाग ना पाए सारंगी, यहाँ हर वस्तु हो जाए सफेद रंग की। अब तुम छुप नहीं पाओगी, क्योंकि तुम जिस भी सफेद चीज में छुपोगी वो अपने रंग में आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां छुपी हो। बहुत हो गई तुम्हारी बुराई सारंगी, अब तुम्हारा अंत तय।
सारंगी परी, तुम बुराई के रंगों के साथ मिलकर सच्चाई और अच्छाई के रंगों को उड़ाना चाहती थी, लेकिन देखो सच्चाई और अच्छाई ने तुम्हारा ही रंग उड़ा दिया और अब तुम्हारी सही जगह ये रंगलोक नहीं बल्कि परीलोक का कैद खाना है। सलोनी ठीक तो होगा ना? मैं अगर बालवीर को कुछ हो गया तो? नहीं कुछ नहीं होगा उसे, तुम लोग देख लेना कुछ नहीं होगा हमारे बीवी भी को। अगर मुझे पता होता कि हमारी होली ऐसे खत्म होगी तो मैं बालवीर को कभी नहीं बोलती अपने साथ होली खेलने। लेकिन अभी होली खत्म कहाँ हुई है मैं? बच्चों तुम सब ने ही तो कहा था कि जब तक होली के रंगों से भरी ये सारी मटकियां फूट नहीं जाती तब तक होली खत्म नहीं होगी। हाँ। तो देखो अभी भी एक मटकी बाकी है। हाँ। ये! सुनिए मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट घोषणा करने वाला हूँ। तो सर वो थाली और डंडा लेकर आऊँ? हैं? थाली और डंडा क्यों? अरे सर मैंने वो एक पुरानी फिल्म देखी थी, जब कोई सुनिए 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 कहता है ना तब वो एक थाली के साथ डंडा बजाता है। बेटा कुछ नई फिल्में भी देखा करो। बेवकूफ तू चुप रहना। बच्चों ये है महत्वपूर्ण घोषणा। सर इसे काइट बोलते हैं हिंदी में पतंग। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। हाँ तो बच्चों घोषणा ये है कि कल हम हमारे स्कूल में एक पतंग महोत्सव करेंगे जिसमें पतंग काटने का चैलेंज होगा। सब अपने अपने घर से पतंग और मांझा मांझा यानी कि डोर लेके आना है। और जो सबसे ज्यादा पतंग काटेगा वो इस कंपटीशन का विजेता कहलाएगा। मैं काटूंगा। मैं भी। समझ गए? चलो वेरी गुड। अरे बच गई आंटी। चलो बच्चे चलो चलो क्लासरूम में चलो। केवल अब देखना मैं इन टिड्डियों के इतने पतंग काटूंगा ये गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन बॉस ये पतंग उड़ाने का कंपटीशन है, क्या आपको पतंग उड़ाना आता है? अरे आता है मुझे पतंग उड़ाना, अगर मेरा बस से लेना तो मैं उन टिड्डियों को मांझा लगा के हवा में उड़ा दूं। मोंटू की तुम ना इस मोंटू को छोड़ो, पहले हम ये सोचते हैं कि हमें पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कौन से ग्राउंड में करनी है। एसपीपी ग्राउंड में चलते हैं। अरे एक मिनट
धीरे बोलो वरना मोंटू के बच्चे ने सुन लिया ना तो वो हमारा पीछा करेगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कि हम कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे, समझे? हाँ। चल बोलो चल। वो वीरू पे चले गए, फिर हमें पता कैसे चलेगा ये लोग कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? डोंट वरी केवल, तेरा बॉस मोंटू द ग्रेटेस्ट का खानी है ना, ये जासूस है जासूस, ये लोग कहीं भी छुप जाए हम लोग इन्हें ढूंढ के निकालेंगे। चल। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर पत्र है। इस बच्चे का नाम है देवेंद्र अग्रवाल और ये है झांसी से। ये लिखते हैं कि ये जब स्कूल से घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा साइकिल से गिर गया है और उन्हें चोट भी लगी थी। ये उनके पास गए, उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें घर तक छोड़कर आए। बहुत अच्छे देवेंद्र। रानी परी, तो परियों पढ़ लिया आपने आज के पत्र? जी रानी परी, पत्र तो हमने पढ़ लिए, मगर ये बताइए कि उस पांच भाग्यशाली बच्चों का चयन हम कब करेंगे? हमारी उत्सुकता तो बढ़ती ही जा रही है, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। हाँ रानी परी, धीरज रखिए परियों, धीरज रखिए, हम आने वाले कुछ दिनों में उन पांच बच्चों का चयन अवश्य करेंगे और साथ ही साथ उनका नाम भी घोषित करेंगे। लेकिन तब तक संदेश परी आप बच्चों के पत्र इकट्ठे करते रहिए और उनको हमारे द्वारा बनाए गए खास बाल मैदान भेजते रहिए। जी रानी परी। महोत्सव पतंग का है? होंगे वहां पर तो फिर बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, मिलेगा मुझे अवसर बच्चों को उठाने का, घर के बच्चों का अपहरण, ले जाऊंगा उन्हें फिर परी भयंकर के पास और फिर होगी परी भयंकर मुझ पर खुश और फिर नहीं पड़ेंगे कभी पर मुझे उस टक्षणी परी भयंकर के कभी। चलिए श्री श्री तोबा तोबा जी, हो जाइए तैयार उठाने के लिए बच्चों को। और है अब तो मेरे पास ये परी भयंकर की दी हुई जादू की छड़ी, तो है नहीं मुझे किसी का डर। चलिए श्री श्री तोबा तोबा जी, है करते शुरू काम। देखेगा जैसे ही कोई नन्ना बच्चा इस पतंग को, बन जाएगा वो मेरा शिकार। आजा, आजा जल्दी से कोई नन्ना बच्चा, रहा ये मेरा शिकार। अरे पतंग, लगा कैसे मुझे छटका। थबा थबा, बालवीर तुम ही। रहा था मैं तो खेल उस बच्चे से। तबा तबा, मुझे तुम्हारे सारे खेल समझ में आते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी खेल खेलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं डरता मैं तुझसे बालवीर, है मेरे पास भी जादू छड़ी, अरे वो कर सकता मैं भी जादू तुम्हारी तरह। अच्छा तो रोक के दिखाओ इसे। अरे किया क्या ये तुमने बालवीर? अरे चल रहा है मेरा पैर क्यों? अरे लग रहे मुझे चटके क्यों? वो करता मैं अभी जादू।
अरे नहीं, क्यों चल रहा मेरा जादू? तौबा तौबा, ये सच्चा और अच्छा है कि बालवीर अग्नि रेखा है जो मैंने बुरे पृथ्वी लोक पर बिछा दी है। और अगर अब कोई भी बुरी शक्ति पृथ्वी लोक पर कदम रखने की कोशिश भी करेगी तो जलने लगेगी। जाओ और जाकर कह दो अपनी भयंकर परी से, अगर इस बार उसने बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बालवीर उसका वो हश्र करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ठीक बालवीर, ऊ जाता मैं तो अभी, लेकिन देता हूँ तुम्हें चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे गायब तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी। रखना याद ये श्री श्री तोबा तोबा जी की चुनौती। तोबा तोबा रुको, इस भयंकर परी का कोई भरोसा नहीं, मुझे कल पूरा दिन सावधान रहना होगा। आ तो गया मैं बाबी को चुनौती देकर कि उठाऊंगा मैं तुम्हारी आंखों के सामने बच्चों को, लेकिन कैसे, रख तो नहीं सकता मैं कभी भी धरती पर पैर उस जादुई आग के कारण जो है बिचाई बालवीर ने। करूं क्या मैं, करूं क्या, कैसे उठाऊं मैं बच्चों को पतंग, पतंग महोत्सव, पतंग पतंगा, परी पतंगा, गया मिल मुझे उपाय बच्चों को पतंग महोत्सव से उठाने का। अरे रख तो नहीं सकता मैं पाव जमीन पर, लेकिन है उड़ती वो परी पतंगा हवा में, क्योंकि है वो हवाई बुरी शक्ति और नहीं चलेगा उस बालवीर के जादुई आग का कोई भी असर। परी पतंगा हूँ आराम है। परी पतंगा, ओ